अलग तेलंगाना के गठन पर मुहर लग सकती है, लेकिन राज्य बनने से पहले ही सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण कुमार रेड्डी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तेलंगाना का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली में लगेगी तेलंगाना पर मुहर। सभी से चर्चा हो जाने के बाद अब इसमें निर्णय होना है, तो जल्दी निर्णय हो जाएगा। चंद घंटों के बाद अलग तेलंगाना के भविष्य पर फैसला हो सकता है। खबर है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपना फैसला ले चुके हैं, अब बस औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। शाम 4 बजे यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस अपने सहयोगियों को मनाने की कोशिश करेगी। शाम 5:30 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में ही तेलंगाना के भविष्य का फैसला हो जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि बातचीत पूरी हो गई है, अब बस फैसला सुनाए जाने का इंतजार है। मसला है, इसका वाइडेस्ट कंसल्टेशन हो चुके हैं, इसके बारे में श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो सभी से चर्चा हो जाने के बाद अब इसमें निर्णय होना है, तो जल्दी निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस हर हाल में मॉनसून सत्र से पहले अलग तेलंगाना का ऐलान करना चाहती है। खबर है कि मॉनसून सत्र में लोकसभा में नेता सदन सुशील कुमार शिंदे इस मुद्दे पर बयान भी देंगे। फिलहाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनों को मनाने की है। खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी अलग तेलंगाना का विरोध कर रहे हैं। राज्य के कई मंत्रियों ने इस्तीफे की धमकी दी है। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जिस तेलंगाना की इतनी बात हो रही है, आइए आपको हम ये समझाते हैं कि वो तेलंगाना आखिर है क्या, जिस तेलंगाना को लेकर के विवाद हो रहा है। वर्तमान में जिस तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, उसका थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उसकी भौगोलिक सीमा में जो मौजूदा आंध्र प्रदेश है, उसके 23 में से 10 जिले आते हैं। इसमें महबूब नगर हो गया, नलगोंडा हो गया, खम्मम हो गया, रंगारेड्डी हो गया, वारंगल हो गया, निजामाबाद हो गया, आदिलाबाद, करीम नगर और हैदराबाद वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो चीजें हैं, जो तथ्य है, कहा जाता है कि पूर्व में पहले निजामशाही का प्रमुख हिस्सा रहा है तेलंगाना। उसके हिस्से में विधानसभा की 294 सीटों में से लगभग 119 सीटें आती हैं। जाहिर है राजनीतिक रूप से कांग्रेस या फिर किसी भी राजनीतिक दल के लिए आंध्र से अलग तेलंगाना के अस्तित्व को मान्यता देना बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन स्थानीय संस्कृति और बाकी आंध्र प्रदेश से अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से अलग तेलंगाना राज्य की मांग कई बार यह कहा गया कि नाजायज भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लाइव। मनीष, आज यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी और सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसमें तेलंगाना को लेकर के वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो चर्चा का विषय रहेंगे, और क्या ये माना जाए कि ये बैठक अब निर्णायक है? देखिए राशिद, जहां तक चर्चा का मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, चर्चा तो पहले हो चुकी है। कांग्रेस के भीतर ये चर्चा पूरे तौर पे हो चुकी है। संपर्क समन्वय समिति यानी कि यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में इनके जो घटक दल हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश होगी कि आखिर क्यों तेलंगाना राज्य अलग कर देना चाहिए और आंध्र प्रदेश का विभाजन हो जाना चाहिए। इन्हीं सारी बातों पर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पक्ष बताए जाएंगे और नहीं करने पर क्या होगा, इससे उन्हें जताया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। और इसके बाद जहां तक बात करें सीडब्ल्यूसी की, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों जो लगातार गतिविधियां और पिछले एक दशक से आप ये समझिए कि तेलंगाना मांग को लेकर किस तरीके से आंध्र प्रदेश धधक रहा था, वो सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में अब फैसले की घड़ी आती हुई दिखाई देती है जब कांग्रेस को निर्णय लेना है। मुझे याद आता है वो वक्त जब रात को 12 बजे चिदम्बरम ने ये निकलकर कहा था कि तेलंगाना राज्य बनाने की प्रक्रिया हो गई है, तो तभी से कांग्रेस की किरकिरी और ज्यादा बढ़ गई थी। जी मनीष, चलिए मनीष अवस्थी हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आपके पास मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। दिल्ली के आंध्रा भवन भी हम चलेंगे, वहां से रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि अलग तेलंगाना के गठन के लिए सरकार ने क्या फॉर्मूला तय किया है। बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश की नई तस्वीर आखिरकार होगी कैसी? आंध्र प्रदेश का बंटवारा करीब करीब तय हो चुका है। अलग तेलंगाना राज्य की जो मुहिम 1969 से शुरू हुई थी और 40 साल बाद 2009 में तेज हुई, वो अब अंजाम की ओर है। कांग्रेस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग सूबे की शक्ल देने का मन बना चुकी है, बस ऐलान की औपचारिकता बाकी है। मसला है,
इसका वाइडेस्ट कंसल्टेशन हो चुके हैं, इसके बारे में श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो सभी से चर्चा हो जाने के बाद अब इसमें निर्णय होना है, तो जल्दी निर्णय हो जाएगा। वाकई में ये बड़ा फैसला है जिसके बाद आंध्र प्रदेश का भूगोल 60 साल पहले जैसा हो जाएगा। दिसंबर 1953 में तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय का फैसला भी कांग्रेस का था और अब तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का फॉर्मूला भी कांग्रेस ने ही ढूंढा। सूत्रों का कहना है कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा बराबर बराबर होगा। मौजूदा आंध्र प्रदेश के 24 में से 12 जिले तेलंगाना के हिस्से आएंगे और बाकी बचे 12 जिले कहलाएंगे आंध्र प्रदेश। हैदराबाद अगले 5 साल तक दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को अपने लिए अलग राजधानी बनानी और बसानी होगी। अगर आगे चलकर हैदराबाद को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टकराव की नौबत आई तो चंडीगढ़ वाला फार्मूला आजमाया जा सकता है। तेलंगाना को 60 साल पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन तेलंगाना के लोगों को आंध्र प्रदेश का साथ कभी रास नहीं आया। हैदराबाद, आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर, मेंढक, महबूब नगर, नलगोंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल, इन 10 जिलों को मिलाकर अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग आंध्र प्रदेश का नया नक्शा बनाने के 16 साल बाद ही शुरू हो गई। 1969 में जब अलग तेलंगाना की आवाज बुलंद हुई तो सरकार ने इसे कुछ लोगों का सियासी प्रलाप समझा था, लेकिन 2009 आते आते सरकार को भी समझ आ गया कि अब तेलंगाना का मुद्दा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन क्या अलग तेलंगाना बना लेना इतना ही आसान है? इसके बारे में और मनीष अवस्थी मेरे पॉलिटिकल एडिटर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष, अलग तेलंगाना का जैसे ही ऐलान किया जाएगा उसके बाद गोरखालैंड से अलग आवाज उठेगी, विदर्भ से उठेगी, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मिथिलांचल, बोडोलैंड, सौराष्ट्र और कुर्ग, इन सब आवाजों को केंद्र सरकार किस तरीके से लेगी, इनका सामना किस तरीके से करेगी, क्या इसके बारे में चर्चा अभी तक हुई है? देखिए, ये आवाज तो बहुत पहले समय से उठती रही है। आपको याद होगा विदर्भ अपने आप में सीपीएन बरार जो कि एक राजधानी हुआ करती थी, जिसका विभाजन कर मध्य प्रदेश, बाद में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना, तो जड़ विदर्भ ही रही है। और इसके साथ साथ संयुक्त महाराष्ट्र में एक अब महाराष्ट्र बन गया जिसमें विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा हो गया। इससे अगर हट के बात करें राशिद, मुझे याद आता है 2010 में जब श्रीकृष्ण कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का विभाजन किया जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए श्रीकृष्ण कमीशन बनाया गया था, तो उन्होंने 6 उपायों की सलाह दी थी कि आखिर वो 6 उपाय क्या होने चाहिए। उन्होंने कहा था सामाजिक आर्थिक विकास, राजनीतिक सशक्तिकरण और तेलंगाना एक विशेष बोर्ड का प्रावधान कर दिया जाए, इसलिए राज्य का विभाजन ना हो। ये श्रीकृष्ण कमीशन की भी रिपोर्ट में 2010 में कहा गया था, लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए वहां के लोगों की जो सोच रही है, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में सड़कों पर एक आम आदमी निकलकर आया तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर, मेरे ख्याल से वही देखकर ये लगता है कि कांग्रेस मेरे ख्याल से हमें एक बार दिल्ली के आंध्रा भवन भी चलना चाहिए। मेरे सहयोगी रजत राजेश टंडन वहां पर मौजूद है। रजत, लगभग 9:30 सुबह का टाइम था जब किरण कुमार रेड्डी को पहुंचना था दिल्ली, उनके बारे में अभी तक क्या खबर है? क्या पहुंच गए हैं वो दिल्ली? अगर पहुंच गए हैं तो आज का उनका प्रोग्राम क्या है? किस किस से मुलाकात करेंगे वो? उनकी नाराजगी चूंकि दूर करना बेहद जरूरी है। राशि, कुछ देर में आंध्रा भवन आएंगे, जो उप मुख्यमंत्री है वो आ गए। कल रात में मीडिया में एक खबर भी आई थी कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को भेज दिया। उसके बाद देर रात 12:45 उसका खंडन आया कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं भेजा है और वो किसी से नाराज नहीं है। आने के बाद जो लोकल यहाँ पे सांसद है उनसे मुलाकात करेंगे किरण रेड्डी, संभवतः उसके बाद दिग्विजय सिंह से मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि CWC की बैठक से पहले वो सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या है तेलंगाना, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं और इस पर, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि क्या कुछ दिल्ली में तेलंगाना को लेकर के सियासत हो रही है। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में क्या होता है हम आपको ये भी बताएंगे, और CWC की बैठक में क्या कुछ खास रहता है इस पर भी इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।